आपकी दुकान स्टोर में रखे सामान का पूरा खाता तैयार करने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि दिसंबर 2022 तक महंगाई केंद्रीय बैंक द्वारा निर्धारित लक्ष्य 6% से अधिक बनी रहेगी, हालांकि उसके बाद इसके 6% से नीचे आने की उम्मीद है। एक साक्षात्कार में दास ने कहा, मुद्रास्फीति निश्चित रूप से अधिकांश देशों के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। लगभग सभी अर्थव्यवस्थाएं बढ़ती महंगाई का सामना कर रही हैं। ये एक ऐसी समस्या है जिसने दुनिया भर में सरकारों और केंद्रीय बैंकों को चिंता में डाल रखा है। यहां तक कि बात देश की महंगाई की है तो इसके पीछे बाहरी कारण सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है। वहीं अप्रैल से हम बढ़ती महंगाई से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए काम कर रहे हैं। आरबीआई गवर्नर से जब ये पूछा गया कि उन्होंने महंगाई पर अंकुश लगाने के लिए पहले नीतिगत दरों में वृद्धि क्यों नहीं की, इस पर उन्होंने कहा कि खामोशी से उठाए गए कदम समाचार पत्रों की सुर्खियां नहीं बनते हैं। इस महीने की शुरुआत में घोषित मौद्रिक नीति के अनुसार उपभोक्ता मूल्यांक सूचकांक आधारित खुदरा मुद्रास्फीति चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 7.5% रहने का अनुमान है, दूसरी तिमाही में इसके 7.4% और तीसरी तिमाही में 6.2% रहने का अनुमान है। वहीं मुद्रास्फीति के 2022-23 की चौथी तिमाही में आरबीआई के निर्धारित लक्ष्य के भीतर आने की संभावना है। चालू वित्त वर्ष की चौथी तिमाही के लिए मुद्रास्फीति का अनुमान 5.8% है। वहीं CPI आधारित मुद्रास्फीति मई में घटकर 7.04% हो गई थी, जो पिछले महीने यानी अप्रैल में 8 साल के उच्च स्तर 7.79% दर्ज की गई थी। मुद्रास्फीति इस साल की शुरुआत से ही आरबीआई के लक्ष्य से ऊपर बनी हुई है। वहीं आरबीआई के डिप्टी गवर्नर ने कहा कि केंद्रीय बैंक रुपए में अस्थिरता को रोकने के लिए काम कर रहे हैं और इसमें तेज उतार चढ़ाव की अनुमति नहीं देगा। हालांकि उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि आरबीआई रुपए का कोई स्तर निर्धारित करने के पक्ष में नहीं है। आरबीआई के मौद्रिक नीति विभाग के प्रमुख पात्र ने जोर देकर कहा कि हाल के दिनों में भारतीय मुद्रा में सबसे कम अवमूल्यन देखा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स TV। आपके ग्राहक की खुशी से आपकी दुकान पर ग्राहक को लाने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।